हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। मेरे द्वारा जितनी भी राज्यों की वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होते हैं शिक्षक भर्ती के, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जिसकी सूचना आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। यदि ये आपका सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन मैच होती है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई किया करें। JIS ग्रुप एजुकेशनल इनिशिएटिव नरोला पब्लिक स्कूल से वैकेंसी का नोटिफिकेशन है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई है, प्राइमरी टीचर्स की आई है। इसके अलावा PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं PGT में। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी इसमें नहीं है। इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में जो है अकाउंट असिस्टेंट की, एडमिशन ऑफिसर की, एग्जीक्यूटिव की, काउंसलर की वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे जो है वो अप्लाई करना रहेगा, क्वालिफिकेशन ये क्या मांग रहे हैं। यहाँ पर कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी। क्वालिफिकेशन जो है CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रहने वाली है, जैसे KVS में रहती है, DPS में रहती है, NVS में रहती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। सबसे पहले जो है आप लोगों को सब्जेक्ट दिखा देती हूँ, प्री प्राइमरी टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स। इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। PGT में देखें काफी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए, इसके साथ में साइंस साइंस के भी कैंडिडेट्स के लिए है। PGT में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैथ्स की वैकेंसी है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज की है, अकाउंटेंसी की है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर साइंस, बंगाली, हिंदी, साइकोलॉजी। तो ये जो है सब्जेक्ट हैं PRT और प्री प्राइमरी में जो है ऑल सब्जेक्ट की है। कोऑर्डिनेटर में प्री प्राइमरी के लिए है, सीनियर सीनियर सेकेंडरी के लिए भी है, स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट की है, एडमिशन ऑफिसर की है, एडमिशन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लाइब्रेरियन की, स्टोर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। अब देख लेते हैं वैकेंसी जो है वो कहाँ से जारी की गई है, क्वालिफिकेशन ये क्या मांग रहे हैं। वैकेंसी JIS ग्रुप की तरफ से नरोला पब्लिक स्कूल मोगरा। मोगरा जो है कहाँ है, हुगली वेस्ट बंगाल की है ये वैकेंसी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, आप देखिएगा कि लास्ट जितने भी वीडियो हैं अलग अलग राज्यों की वैकेंसी को कवर किया गया है, तो आपके राज्य की वैकेंसी जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन, NTT, DL Ed, तो इसी के समकक्ष जो है BTC, BL Ed जो है होती है। तो क्वालिफिकेशन अगर आपकी है और साथ में मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपका रहा हो किसी भी जो है किंडरगार्टन प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है यहां पर BA, BSc, BCA, DL Ed, BEd सभी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का यहां पर भी अनुभव जो है वो मांगा गया है। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी टीचर्स के लिए। अगर PGT के लिए अप्लाई करेंगे तो मास्टर डिग्री आपका, आर्ट्स वाले जो है MA, साइंस वाले MSc और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, तो यहां पर MCOM वाले अप्लाई कर लेंगे। MCA अगर आपने किया है, BEd साथ में इन्होंने मांगा है, PRT में BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, चाहे आपने DL Ed किया हो, BTC किया हो या BEd किया हो, PRT के लिए। PGT में जो है 5 से 7 साल का अनुभव मांग रहे हैं, आपने CBSE बोर्ड में पढ़ाया है या ICSE बोर्ड में पढ़ाया है या कोई भी और भी जो है जो बोर्ड होते हैं, जैसे कि हरियाणा बोर्ड है, UP बोर्ड है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में NTT या DL Ed, यानी कोई भी प्री प्राइमरी सेक्शन में जो डिप्लोमा या डिग्री होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं 10 साल के अनुभव के साथ में। सीनियर सेकेंडरी के लिए अगर कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो मास्टर डिग्री के साथ में BEd और 10 साल का अनुभव जो है टीचिंग में और 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। स्कूल काउंसलर एज पर CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर रहेगा। तो काउंसलर के लिए आप सभी जानते हैं, ग्रेजुएशन में आपने साइकोलॉजी पढ़ा हो या मास्टर डिग्री आपकी साइकोलॉजी में हो, साथ में 1 साल का जो है आपके पास काउंसलिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल मांगा गया है। यानी कोई भी पोस्ट अगर हम देखें तो बिना अनुभव वाले बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी जो है आई हैं, जो कि मैंने आपको बताई है, जहां फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल हैं। लास्ट जो है वीडियो देखिएगा, बहुत सारे जो है वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जहां फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल हैं। हो सकता है कि आपकी ही जो है काम की रही हो वो वैकेंसी। एडमिशन ऑफिसर के लिए बीबीए या एमबीए वाले अप्लाई करेंगे, 5 से 7 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। एडमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए भी जो है 2 से 3 साल का अनुभव चाहिए। ग्रेजुएशन साथ में टेक्निकल और मार्केटिंग स्किल्स आपको आती हो। लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर अगर आपने बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री किया है लाइब्रेरी साइंस में, डिप्लोमा डिग्री है आपके पास, तो आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीबीएसई नॉर्म्स में यही मांगते हैं, 5 से 7 साल का यहाँ अनुभव। ये चीज़ जो है अलग से कहा गया है, ठीक है, अनुभव वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट पास अगर स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 3 साल का अगर इस काम में आपका अनुभव रहा है, तो अप्लाई करें। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के इच्छुक है, 16 अप्रैल 2024 से पहले अप्लाई कर देना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ईमेल, ईमेल के द्वारा ही आप लोगों को अपना डिटेल रिज्यूम, अपने 10th के बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सभी आपको रिज्यूम के साथ में भेज देनी है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर लिखना है, career@jisgroup.org, और ये दूसरा भी दिया गया है, principal@nps@jisgroup.org। स्क्रीनशॉट ले लें आप और आपको मेल करना होगा 16 अप्रैल 2024 से पहले। तो जो भी कैंडिडेट्स को ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे, तो उनको डेट, टाइम और जगह जो है इंटरव्यू की बताई जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करके छोड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। कारण क्या होता है? अब यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसके साथ में अनुभव भी मांगा गया है, ठीक है। अभी ऐसे कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन पूरा कर रहे हैं बट उनके पास अनुभव 4 साल का ही है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को जो है ये नहीं लेंगे। 5 साल या उससे अधिक टीचिंग एक्सपीरियंस वालों को जो है ये शॉर्टलिस्टेड करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो भी वहां पर मांगा गया है उसे आप पूरा करें, तभी जो है आप लोगों को कॉल या ईमेल आता है। तो और भी अच्छे तरीके से जो है आप देख लें, वीडियो को दोबारा से जो है वो देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। नरोला पब्लिक स्कूल मोगरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, JIS ग्रुप, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, नट्यून ग्राम, देखें ये क्या लिखा है, पोस्ट ऑफिस एंड PS मोगरा हुगली, वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है ये, ठीक है। और भी राज्यों की वैकेंसी बिल्कुल कवर की जाएंगी आप लोगों के लिए। वीडियो लगातार देखते रहें, चैनल पर बने रहें। पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर नोटिफिकेशन समय पर नहीं आता है तो वीडियो जैसे जैसे बनते जाते हैं, लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप देखते रहें। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं बट उनके पास जो है नहीं पहुंच पाता है वीडियो समय पर, और कभी जो है हो जाता है YouTube की तरफ से कुछ फॉल्ट हो जाता है जिस वजह से नोटिफिकेशन समय पर नहीं पहुंचता है। तो लेटेस्ट वीडियोस को आप जो है देखते रहें। थैंक यू।